और ग्वालियर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति ने पुलिस से पत्नी से प्रताड़ित होने की बात कही डाली। व्यक्ति ने पुलिस से इस बात को एक शायराने अंदाज में कहा कि जो इस प्रकार था, साहब क्षण मृत्यु चाहिए, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। जनकगंज थाना क्षेत्र के मोहल्ले में रहने वाले धर्मेंद्र पाल ने एक शिकायती आवेदन ग्वालियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय की जनसुनवाई के दौरान दिया है। अपने शिकायती आवेदन में उसने अपनी पत्नी पर मारपीट और दहेज प्रताड़ना के मामला सहित अन्य मामलों में झूठा फंसाने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि उसकी पत्नी और ससुराल के लोग मिलकर पूर्व में कई बार उसके साथ मारपीट भी कर चुके हैं और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित भी कर रहे हैं। उसमें आज दो तीन केसेस बड़े पिक्यूलियर टाइप के आए, जिसमें एक पति आया, उसका कहना है कि वो अपनी पत्नी से परेशान है और तरह तरह की बातें कर रहा था, तो उसको संबंधित TI को निर्देशित किया गया है कि इन दोनों पति पत्नी को बुला के और समझाइश दें। बाकी उसकी बातचीत से ऐसा लग रहा था वो काफ़ी परेशान है। मेरे साथ थोड़ा क्या है, व्यवहार थोड़ा गलत हो रहा है ससुराल वालों द्वारा और पत्नी द्वारा, मुझे अनाप शनाप गालियाँ देती है, खाने को मुझे मिलता नहीं है ढंग से, मेरे को अपने बच्चों के कपड़े साथ मैं खुद धोता हूँ साहब, मेरे पूरे मोहल्ले में पूछ लेना है, मैं 18 जैसे कि आपने अभी कुछ बोला था, क्या बोला था? जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको भी निभा रहा हूँ।